43 कंपनी ने घोषणा कर दिया डिविडेंड, बोनस, बायबैक, सारा कुछ जानकारी दूंगा, किंतु छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। पहली कंपनी का नाम है सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल। आज मार्केट टाइम में ही कंपनी ने ₹8 प्रति शेयर डिविडेंड की घोषणा किया। एक्स डेट है 12 जनवरी। इस डिविडेंड की वजह से स्टॉक में 2% तेजी हुई डिविडेंड आने के बाद। अगली कंपनी का नाम है जेन फार्मा। करंट मार्केट प्राइस है ₹5.52। राइट इशू करेगा 1:1, यानी एक शेयर के होल्डिंग पर कंपनी एक न्यू शेयर राइट इशू के जरिए ऐड करने का देगा मौका, और जो न्यू शेयर ऐड करने का मौका देगा राइट इशू के जरिए उसका प्राइस रहेगा ₹1.75, यानी ₹5.52 का शेयर ₹1.75 में मिलेगा। रिकॉर्ड डेट है 9 जनवरी, और ये न्यूज़ आज लाइव मार्केट में आ गया था, तो इस न्यूज़ की वजह से स्टॉक में 15% की अपर सर्किट लगा है, तो हो सकता है कल भी स्टॉक में तेजी रहे। अगली कंपनी का नाम है सरनम इंडस्ट्रीज। करंट मार्केट प्राइस है 91 पैसा। राइट इशू करेगा 7:5, 5 शेयर पर 7 राइट इशू के जरिए ऐड करने का मौका देगा। राइट इशू प्राइस कंपनी अभी नहीं बताया है। रिकॉर्ड डेट है 10 जनवरी। जैसे ही राइट इशू बताएगा हम चैनल पर अपडेट कर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगली कंपनी का नाम है INDRE रिन्यूएबल एनर्जी। राइट इशू करेगा 4:1, राइट इशू प्राइस रहेगा ₹21। रिकॉर्ड डेट है 8 जनवरी। अगली कंपनी का नाम है त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज। करंट मार्केट प्राइस है ₹153। स्प्लिट करेगा 1:5, एक्स डेट है 16 जनवरी। एक शेयर 5 शेयर में कन्वर्ट होगा, किंतु शेयर प्राइस भी 5 से विभाजित हो जाएगा। अगली कंपनी का नाम है बजाज ऑटो। करंट मार्केट प्राइस है ₹6700। Q3 रिजल्ट की मीटिंग है 24 जनवरी को। अगली कंपनी का नाम है बजाज ऑटो। करंट मार्केट प्राइस है ₹6988, और आज कंपनी ने बोला है कि हमारा बायबैक की मीटिंग है 8 जनवरी को, और इस मीटिंग के वजह से स्टॉक में आज 5% का तेजी हो गया, यानी मीटिंग से ही स्टॉक में रैली स्टार्ट हो जाता है, और यदि फिर बायबैक टेंडर द्वारा आ जाता है तो स्टॉक में और भी रैली स्टार्ट होता है। बायबैक आते ही टेलीग्राम पर लाइव मार्केट में अपडेट कर देंगे, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ स्विंग ट्रेडिंग कॉल भी देते हैं, और 1-2 बिट में टारगेट हिट हो जाता है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट करके भी आप टेलीग्राम लिंक ले सकते हैं। अगली कंपनी का नाम है श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक। बोनस देगा 1:3, एक्स डेट 8 फरवरी। नेक्स्ट कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। टारगेट दिया ₹149 आनंद राठी ने। अगली कंपनी का नाम है KP एनर्जी। बोनस देगा 2:1, एक्स डेट अपकमिंग। एक्स डेट के बाद स्टॉक में तेजी भी होगा। नेक्स्ट कंपनी गेल इंडिया। करंट मार्केट प्राइस 162, टारगेट दिया ₹195। मोतीलाल ओसवाल ने। इंटेलिवेंट कैपिटल 2:1, बोनस देगा एक्स डेट अपकमिंग। पावर स्टॉक ₹100 से सस्ते शेयर ने साल भर में दिया 168% रिटर्न। ब्रोकरेज बुलिश, आगे मिल सकता है तगड़ा रिटर्न। पावर स्टॉक पावर जनरेशन कंपनी का शेयर एक साल में 168% चढ़ा। ब्रोकरेज हाउस मोनार्क नेटवर्क कैपिटल ने इसमें खरीदारी की सलाह दी है। SJVN शेयर प्राइस। सरकारी बिजली उत्पादन कंपनी SJVN लिमिटेड के शेयर में मंगलवार 2 जनवरी 2024 को 2.36% का उछाल दर्ज किया गया। SJVN के शेयर में यह तेजी भारत और नेपाल के बीच 4 हाइड्रो और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए JV करने के लिए डीपम से मंजूरी मिलने की खबर से आई है। पावर जनरेशन कंपनी के शेयर ने एक साल में 168% रिटर्न दिया। ब्रोकरेज हाउस मोनार्क नेटवर्क कैपिटल ने SJVN में खरीदारी की सलाह दी है। BSE को दी जानकारी के मुताबिक SJVN लिमिटेड को भारत और नेपाल में पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए 4 ज्वाइंट वेंचर कंपनियां बनाने की वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। कुल 8,778 मेगावाट क्षमता की हाइड्रो पावर और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट के लिए ज्वाइंट वेंचर बनाए जाएंगे। SJVN के मुताबिक SJVN 3 ज्वाइंट वेंचर कंपनियों में अग्रणी भागीदार होगी, जबकि SJVN के पूर्व स्वामित्व वाली सब्सिडरी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड चौथे ज्वाइंट वेंचर में अग्रणी भागीदार होगा। डीपम ने भारत और नेपाल में हाइड्रो पावर और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के विकास के लिए 4 संयुक्त उद्यम कंपनियों बनाने के SJVN और बिजली मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। SJVN 5,000 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाएगी। एक ज्वाइंट वेंचर अरुणाचल प्रदेश सरकार और नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के बीच बनाया जाएगा। यह वेंचर अरुणाचल प्रदेश में 2878 मेगावाट की
ओजू जल विद्युत परियोजना का विकास करेगा। तीसरे ज्वाइंट वेंचर में एचजेवीएन नेपाल में 900 मेगावाट की ऊपरी कर्णाली जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नेपाल विद्युत प्राधिकरण और जीएमआर एनर्जी लिमिटेड के साथ सहयोगी करेगी। इस ज्वाइंट वेंचर में एचजेवीएन और जीएमआर की समान इक्विटी साझेदारी होगी। एचजेवीएन की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी एसजीएल असम पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाएगी जो असम में 1000 मेगावाट क्षमता की परियोजना लगाएगी। ब्रोकिंग फर्म मेनाक नेटवर्क कैपिटल ने एचजेवीएन के शेयर में खरीदारी की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस 125 रुपये रखा है। करंट मार्केट प्राइस आगे 37.4% रिटर्न मिल सकता है। ब्रोकरेज ने कहा एचजेवीएन के मजबूत फंडामेंटल को हाई प्लांट उपलब्धता का समर्थन मिला है। इस सेगमेंट के अन्य कंपनियों की तुलना में बेहतर प्रॉफिट मार्जिन है। एचजेवीएन ने हाइड्रो पावर और रिन्यूएबल से उत्पादन क्षमता को 2.1 गीगावाट तक बढ़ाया है। वहीं हाइड्रो पावर रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 2026 तक 12 गीगावाट और थर्मल पावर क्षमता को 2030 तक 25 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। 6 महीने में स्टॉक 120% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। दमानी पोर्टफोलियो के दिग्गज स्टॉक में होगी तगड़ी कमाई। क्वार्टर थ्री अपडेट के बाद ₹4600 है नया टारगेट। जाने डिटेल। दमानी पोर्टफोलियो स्टॉक बाजार के दिग्गज निवेशक आरके दमानी पोर्टफोलियो का रिटेल स्टॉक एवेन्यू सुपरमार्ट ने क्वार्टर थ्री बिजनेस अपडेट जारी किया है। इसमें कंपनी का स्टैंडअलोन इनकम 17.2% बढ़ी है। ऑपरेशनल मेट्रिक आगे बेहतर और बेहतर होने की उम्मीद है। कंपनी का औसत स्टोर रेवेन्यू भी बढ़ा है। बिजनेस अपडेट के बाद ब्रोकरेज हाउसेज एवेन्यू सुपरमार्ट पर बुलिश हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट क्या है नया टारगेट। मॉर्गन स्टैनली ने एवेन्यू सुपरमार्ट पर ओवरवेट की रेटिंग दी है। टारगेट 4471% रखा है। ब्रोकरेज का कहना है कि ऑपरेशनल मेट्रिक आगे बेहतर होगा। कंपनी स्टोर की संख्या बढ़ाएगी। कंपनी का स्टैंडअलोन क्वार्टर थ्री रेवेन्यू 13,200 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल की तीसरी तिमाही के मुकाबले 17% ज़्यादा है। HSBC ने एवेन्यू सुपरमार्ट पर खरीदारी की सलाह बनाए रखी। हालांकि टारगेट प्राइस 4630 से घटाकर 4600 रुपये प्रति शेयर किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 24 सेल्स घटी। हालांकि ओवरऑल ग्रोथ में सुधार हुआ है लेकिन अभी भी प्री कोविड-19 लेवल के नीचे। 3Q में कंपनी ने 5 नए स्टोर खोले हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में अब तक 17 नए स्टोर खुले हैं। कंपनी का स्टोर की कुल संख्या बढ़कर 341 हो गई है। मैकायरी ने स्टॉक पर आउट परफॉर्म की राय बनाए रखी है। टारगेट 4450 से घटकर 4350 किया है। मोतीलाल ओसवाल ने 4400 के लक्ष्य के साथ एवेन्यू सुपरमार्ट पर खरीदारी की सलाह बनाए रखी है। एवेन्यू सुपरमार्ट दमानी की कंपनी है। रिटेल सेक्टर की कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राधाकृष्ण दमानी की प्रमोटेड कंपनी है। सितंबर 2023 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक उनकी कंपनी होल्डिंग 66.2% है जिसकी वैल्यू 1.73 लाख करोड़ से ज़्यादा है। दमानी के पोर्टफोलियो में 14 स्टॉक है जिनकी नेटवर्थ 1,80,816 करोड़ से ज़्यादा है। बुधवार 4 जनवरी को स्टॉक में शुरुआती सेशन में 3.5% से ज़्यादा की गिरावट रही। 2 जनवरी 2024 को शेयर 4103.35 पर बंद हुआ और आज भी स्टॉक में लगातार गिरावट।